व्हाट्सअप गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको हेयर शॉट मारना है, कैसे और कब आपका हेयर शॉट लगता है जब आप शूट करते हैं। ए टू जेड पूरी चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा, उसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका हेयर शॉट 100% गारंटी है मेरी लगेगा किसी भी गन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग मोड पर आ गया हूँ, मतलब कि ट्रेनिंग अपना खोल लिया हूँ और मैंने अपनी गन भी ले ली है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए सामने एक बंदा है और जब आप शूट करते हैं, जैसे कि अपने गन पॉइंट अभी देख सकते हैं, जो मेरा एम है वो है वाइट, तो मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो रेड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड हो गया, और जैसे ही देख सकते हैं हमारा रेड हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना फायर बटन क्लिक करता हूँ, उसके बाद तुरंत एनिमी के पास ऑटोमेटिक चला जाता है और बॉडी शॉट लगता है। तो जैसे कि हल्का सा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देख सकते हैं एम पॉइंट अभी भी रेड है, वाइट नहीं है, लेकिन बंदे पर एम नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, मतलब कि यहाँ पर शूट करूँगा, तुरंत ऑटोमेटिक चला जाता है बंदे के पास। अब ये कैसे होता है? ये दोस्तों होता है कि एम लॉक, मतलब कि जहाँ पर बंदा रहेगा ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा, लेकिन वो बॉडी पर ही जाता है, ऑटोमेटिक बॉडी पे जाएगा, हेड पर कभी भी नहीं जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और तुरंत हेड पर ले जाता हूँ, और हेड पर यहाँ पर मैं करता हूँ टैप, तो देख सकते हैं फिर से वो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। फिर से मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, अपने एम पॉइंट को वाइट करता हूँ, उसके बाद हेड पर ले जाता हूँ, और हेड पर जैसे ही ले जाऊँगा फिर से मैं फायर बटन पर क्लिक करूँगा, तो देख सकते हैं फिर से नीचे आ जाता है। जैसे ही आप फायर बटन दबाएंगे तुरंत एनिमी पर हेड नहीं लगेगा, चाहे हेड पर आपका एम पॉइंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दोस्तों आपका एम पॉइंट हेड पर हो, फिर भी बॉडी शॉट लगेगा। अब हेड कैसे लगेगा, अब ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कि इतना आपको समझ में आ गया होगा हेड क्यों नहीं लगता, अब हेड कैसे आपको मारना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप एम पॉइंट को ले गए, मैं यहाँ पर ले गया, रेड हुआ और बॉडी पर अभी है। अगर मैं एम पॉइंट को ऊपर की साइड ले जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हेड लग गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जितनी बार मारूंगा तुरंत हेड लगता चला जाएगा, जितनी बार मैं यहाँ पर फायर बटन पर दबाऊंगा तुरंत हेड पर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से नीचे से ऊपर ले गया हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हेड पर लग रहा है, मतलब कि लॉक हो गया हेड पर। अगर मैं यहाँ पर बाहर से ले जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं नहीं लगा, अब यहाँ पर बाहर जहाँ पर वाइट एम है और यहाँ पर ले जाता हूँ तो देख सकते हैं नहीं लगा, वाइट है और यहाँ पर ले गया नहीं लगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो हेड पर लगता है, और बाहर से लाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हेड पर नहीं लगता। अब क्या करना है आपको, जब भी एम पॉइंट फैले तो आप उसको बॉडी पर ले जाइए, उसके बाद ऊपर ले जाइए और हेड मार दीजिए। परफेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी होता है कि लगता नहीं तभी भी हेड। अब क्या करना है आपको, ड्रैग करना है। अब ड्रैग बहुत लोग गलती करते हैं, ड्रैग सही से कर नहीं पाते हैं, वो बहुत तेज़ी से ड्रैग कर देते हैं और कभी कभी फायर करते हैं, ड्रैग करते हैं, लगता नहीं। अब इसका भी एक ट्रिक है कैसे आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एम पॉइंट को वाइट रखा, यहाँ पर रेड हुआ, बॉडी पर अभी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हेड कैसे मारता हूँ, जैसे कि मैं फायर बटन दबाऊंगा, उसके बाद दबाकर आपको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। बहुत लोग छोड़ देते हैं इसे, झटके में छोड़ देते हैं, आपको ये नहीं करना है, ऊपर की तरफ आपको प्रेस किए रहना है लगातार। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं करने वाला हूँ प्रेस, और देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हेड शॉट लगा है, बॉडी से सीधा हेड पर गया है। तो इसी तरह आपको करना है, फायर हो जाएगा उसके बाद भी आपको उस बटन को, जो फायर वाला बटन को आपको प्रेस रखना है, ऊपर की तरफ खींचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं खींच रहा हूँ, तो देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हेड लगा है। इसी तरह दोस्तों आपको हेड मारना है इस तरह। कभी कभी दोस्तों हेड नहीं लगेगा, हर बार आपका हेड शॉट नहीं लगेगा, कम से कम 7 बार हेड शॉट लगेगा, 3 बार चूक जाता है, ऐसा होता है। तो आप मतलब कि घबराइएगा मत कि ये काम नहीं कर रहा है। अगर आपका 3 बार, मतलब अगर आपका 10 में से 7 बार लग गया तो ये ट्रिक 100% काम करेगा। इसी तरह दोस्तों आपका भी हेड शॉट लगेगा, और बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, बस आपको इस ट्रिक को यूज करना है, और इसी ट्रिक को यूज करते करते प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके हेड शॉट लगेगा। देखिए मेरा कितना परफेक्ट हेड शॉट लगा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा और आपका हेड शॉट पूरा सुधार कर रहूंगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ,